ये बाइक ऑपरेटेड फूड कार्ट है, ये बाइक ऑपरेटेड फूड कार्ट अभी तो पार्टी ने ऑर्डर से वडा पाव के लिए बनवाया है, लेकिन जैसे पार्टी की जैसी रिक्वायरमेंट रहती है, जैसा पार्टी का फूड का प्रोडक्ट रहता है, वैसे हम फूड कार्ट डिज़ाइन करते हैं। मानो के पाव भाजी हो, दाबेली हो, वडा पाव हो, कोई भी फूड के प्रोडक्ट होते हैं, वैसे इसके हिसाब से डिज़ाइन करते हैं। ये फूड कार्ट शेड वाला है, ऊपर की साइड शेड का स्ट्रक्चर है, और ये जो कार्ट है इससे ये शेड का जो स्ट्रक्चर है वो भी अलग करके ये कार्ट का उपयोग कर सकते हो। ये चारों पिलर फोल्डेबल है और ये शेड का स्ट्रक्चर भी फोल्डेबल है, तो ऐसे पूरा फिटिंग करके भी ये कार्ट का उपयोग कर सकते हो और शेड का स्ट्रक्चर अलग करके भी उपयोग कर सकते हो। और ये जो कार्ट है वो पूरा जीपी शीट से बना है और उसका 90% काम जो हुआ है वो रिविटिंग से हुआ है। सभी जो शीट का काम है वो बेंडिंग करके सब उसका जो रिविटिंग से काम हुआ है। इसमें चारों टायर भी ब्रांड न्यू है, पुराने वाले नहीं है, और आगे पीछे और साइड में ऐसे फोल्डिंग पार्टीशन है, तो उसका खड़े रह के उसका नाश्ता करने का भी उसके ऊपर काम होता है। अभी ये जो नीचे का जो मेन गेट है वो खुलेगा, खोलो, इसके अंदर एलपीजी का सिलेंडर भी आ जाता है। ये जो गेट है ऐसे हैंडल से खुलता है और चाबी से लॉक होता है, ऐसे उसका जो लॉक है ऐसे ऊपर नीचे सलिए से लॉक होता है। ये जो होल है ऐसे ऊपर नीचे होल है, वैसे उसका लॉक का सिस्टम है। ये जो डिप दी है वो सिलेंडर के लिए है, इसके अंदर एलपीजी का सिलेंडर भी आ जाता है। और ये अंदर की साइड पार्टीशन है, छोटा मोटा कोई सामान रखने का है तो अंदर आ जाता है, रख सकता है अंदर, ऐसे अंदर की साइड पार्टीशन है सर। ये पूरा जीपी शीट से बना है, ये जो फूड कार्ट का पूरा काम है वो जीपी शीट से बना है। उसका जो मटेरियल है वो सब गैल्वेनाइज मटेरियल है। लॉक कर दो। ये जो गेट है वो ऐसे हैंडल से बन हो जाते हैं, बंद कर दो ऐसे, उसको हैंडल से बंद करके नीचे वो चाबी का होल है, इसके ऊपर अभी एसोसिएट लगना बाकी है, अभी पेंट होगा बाद में एसोसिएट लगेगी, तो ये सब चाबी से लॉक होने वाला है। ये जो ड्रॉवर है खोल के दिखाओ, खुला कि लॉक है, लॉक है ना, लॉक है, चलो कोई बात नहीं, ये जो चलेगा कोई बात नहीं। ये जो कैश के लिए ड्रॉवर है वो भी चाबी से लॉक हुए ऐसे है, तो ये अभी उसका पूरा मैं ये दिखाता हूँ। ये काउंटर है, ये जो फूड कार्ट है उसका सभी जगह रिवेटिंग से काम किया है ताकि फिनिशिंग भी अच्छा रहे। और दिखने में भी अच्छा दिखे। पीछे की साइड ये जो पार्टीशन है वो थोड़ा चौड़ाई वाला है ज़्यादा, और इसकी सॉकर भी हैवी है क्योंकि इसके ऊपर पानी के हैवी जग भी रख सकते हो, ताकि उसका जो काम किया है वो सॉकर का और पार्टीशन का काम हैवी है। ये पीछे की साइड से ऐसे दिखती है, ऐसे आगे पीछे साइड में ऐसे फोल्डिंग पार्टीशन है। ये फूड कार्ट में मडगार्ड भी लगाया है,
अभी उसका पेंट के साथ टेस्टिंग के साथ का भी फुल वीडियो बनेगा। ये जो शेड का स्ट्रक्चर है सभी जगह से फोल्डिंग है, ऊपर का छत भी अलग हो जाता है और ये चारों पिलर भी अलग हो जाते हैं, बॉडी से भी अलग हो जाते हैं। जैसा है और ये जो फूड कार्ट है इसका जो शेड का स्ट्रक्चर है ऊपर का वो पिरामिड टाइप का स्ट्रक्चर है। तो ये वास्तुशास्त्र के हिसाब से पिरामिड टाइप का जो स्ट्रक्चर है वो ज़्यादा बेनिफिट देता है। तो उसका जो पिरामिड टाइप स्ट्रक्चर है ऊपर का, करो चालू। अभी उसका पूरा पेपर डिश से उसका पूरा पॉलिश होगा फूड कट का सभी जगह। सभी कोने में फुल फिनिशिंग होगा, बाद में उसका पेंट का काम होगा। तो ये फिनिशिंग हो रहा है अभी, सभी जगह अच्छी तरह से उसका पॉलिश किया जाएगा। आज भी उसका पेंट का काम होगा, ऐसे ही फुल फिनिशिंग आ जाए। सभी जगह ऐसे फुल फिनिशिंग होगा, कई जगह भी बाकी नहीं रहेगा, सब काम फुल फिनिशिंग के साथ किया जाता है।
हमारे यहाँ सभी तरह की ट्रॉली का काम होता है, पार्टी की रिक्वायरमेंट से सब काम होता है और ऑल ओवर इंडिया में सभी जगह ट्रांसपोर्टेशन की भी व्यवस्था हमारे यहाँ से होती है। ऑल ओवर इंडिया में सभी जगह पहुँचाने का सब काम हम यहाँ से करते हैं। पार्टी को ओनली हमारा कॉन्टेक्ट करना रहता है, बाकी सब हम आगे संभाल लेते हैं और सब ट्रॉली का काम फुल टेस्टिंग के साथ किया जाता है ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना आए। देखो ये अभी फुल फिनिशिंग हो रहा है, ये बाइक ऑपरेटेड फुट गार्ड है। बाइक ऑपरेटेड फुट गार्ड ये स्पेशल वड़ा पाव के लिए बन रहा है पार्टी की रिक्वायरमेंट से। अभी ऐसे फुट गार्ड पार्टी की जो फूड की प्रोडक्ट होती है इसके हिसाब से भी हम बनाते हैं, जैसे पानी पूरी, दाबेली, वड़ा पाव, पाव भाजी, सबके फूड के रिक्वायरमेंट से सब अलग अलग टाइप का डिज़ाइन करके बनाते हैं फूड कार्ट। अभी इसका काम चालू है। ये जो फूड कार्ट है इसके अंदर सिलेंडर के लिए भी अंदर जगह है, अभी काम चालू है उसका गेट का। ऐसे उसमें फोल्डिंग पार्टीशन भी है, ऐसे फोल्डिंग पार्टीशन भी है और ये कैश के लिए ड्रॉवर भी है। ये जो अभी उसका जो कार्ट का नीचे का जो स्ट्रक्चर है वो ऐसे भी आप यूज़ कर सकते हो और ये जो शेड का स्ट्रक्चर है, ये शेड के स्ट्रक्चर में ये चारों बीम जो है वो भी अलग हो जाते हैं और ये ऊपर की जो छत का जो स्ट्रक्चर है वो भी अलग हो जाता है, तो उसको लगा के भी यूज़ कर सकते हो। अभी उसका काम चालू है। ये जो शेड का स्ट्रक्चर है वो सभी जगह से फोल्डिंग है, वो चारों बीम भी अलग हो जाते हैं और ये शेड का स्ट्रक्चर भी अलग हो जाता है, उसको खोलने में, फिटिंग करने में आसानी से फिट कर सकते हो कार्ट के पर। और ये कार्ट में ऐसे साइड में फोल्डिंग पार्टीशन भी है। कार भी इसमें ब्रांड न्यू है, पुराने वाले नहीं है, ये ऐसे चैन से खड़े रहे, लॉक हुए ऐसे पार्टीशन है। पीछे की साइड भी बड़ा वाला पार्टीशन है ताकि इसके ऊपर पानी का जग हो या कोई हैवी सामान रखना है तो भी रख सकते हो। वैसे हमारे यहाँ सब काम पार्टी की रिक्वायरमेंट से होता है, सभी तरह की ट्रॉली का, चाहे फूड कार्ट हो, चाहे बाइक से चलने वाली कोई भी ट्रॉली हो या तो बाइक से चलने वाला कोई भी फूड कार्ट हो, सभी का काम पार्टी की रिक्वायरमेंट से होता है और ऑर्डर से भी काम होता है और ऑल ओवर इंडिया में सभी जगह ट्रांसपोर्टेशन की भी व्यवस्था हमारे यहाँ से होती है पार्टी को। हमारे यहाँ से ऑल ओवर इंडिया में सभी जगह भी पहुँचाने का भी हम सेटिंग करवाते हैं पार्टी को, सभी तरह की ट्रॉली का। ये जो फूड कार्ट है उसका फाइनल वीडियो भी बनेगा। ये बाइक से चलने वाला है फूड कार्ट, आपकी जैसी ज़रूरत होती है इसके हिसाब से आप उसको लेके जो भी खड़े रह के आपका उसका बिजनेस करना है वो कर सकते हो।
ये जो सामने पड़ा वो भी फुटकाट है। ये सब चार पहिये वाली ट्रॉली है। ये जो शेड का स्ट्रक्चर है वो पिरामिड टाइप का स्ट्रक्चर है। वास्तुशास्त्र के हिसाब से पिरामिड टाइप का स्ट्रक्चर अच्छा रहता है। इसमें से पॉजिटिव एनर्जी का बेनिफिट होता है। सब काम पार्टी की रिक्वायरमेंट और फुल्ली फिनिशिंग फुल्ली टेस्टिंग करके कंप्लीट करके ही सब देते हैं ट्रांसपोर्ट में, ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना आए। ऊपर चला दो, देखो ये शेड का जो स्ट्रक्चर है उसको ऐसे पूरा अलग नहीं करना है, तो ऐसे उसका ऊपर का जो छत का स्ट्रक्चर है और ये चारों बीम है वो जो यो उसे अलग नहीं करना है, ऐसे नीचे की साइड चारों बीम लगा के भी इसके ऊपर आप लगा सकते हो काट के ऊपर शेड का स्ट्रक्चर। ऐसे उसको काट के ऊपर फिटिंग किया जाता है। उठाओ, ऐसे शेड का स्ट्रक्चर लगा सकते हो। ये सभी जगह फोल्डिंग है नट बोल्ट से। देखो ये ऐसे नट बोल्ट है सभी जगह चारों साइड। लगा दो, उसे सभी जगह नट बोल्ट से उसका फिटिंग किया जाता है चारों बीम। ये शेड का स्ट्रक्चर लग गया है अब कंप्लीट। ये जो ऊपर का जो शेड का स्ट्रक्चर है पूरा पिरामिड टाइप का स्ट्रक्चर है, तो वास्तुशास्त्र के हिसाब से इसमें से पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, तो बेनिफिट होता है, ज़्यादा अच्छा रहता है, ऐसे सब बोल रहे हैं। आपको ये शेड का स्ट्रक्चर से अभी जो फिट किया है वैसे अलग करके ये काट का भी उपयोग कर सकते हो अलग से, और ये शेड के साथ भी कर सकते हो। तो उसका जो सब काम किया है वो सब फोल्डिंग है। बाइक ऑपरेटेड फूड कार्ट,
टायर भी इसमें ब्रांड न्यू है, तीनों साइड ऐसे फोल्डिंग पार्टीशन है आगे पीछे और साइड में। ये पूरा ग्रेनाइट शीट से जीपी शीट से बना है और रिविटिंग से सब काम हुआ है उसका, पुटकट का वेल्डिंग का काम कम हुआ है उसका, पूरा जो फैब्रिकेशन का शीट मेटल का जो काम है वो सब बेंडिंग करके रिविटिंग करके किया है। ये दोनों दरवाजा है उसका अभी सेटिंग चालू है, लॉक का सेटिंग चालू है। ये बड़े दो दरवाजे हैं और ये जो ड्रॉवर है कैश के लिए,